अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कंपाउंड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। उससे पहले कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है C++ में, वो इक्वल के साइन को कहा जाता है। ठीक है, इस इक्वल के साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों को पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन होते हैं तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाए जाते हैं। ठीक है, C++ लैंग्वेजेस प्रोवाइड C++ लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस मोर इजीली। इसका सिंटैक्स देखें, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का वेरिएबल ओपी, ठीक है, ओपी से मुराद ऑपरेटर इज इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का साइन एनी एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल, अरिथमेटिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखें, वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल का साइन और एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एन प्लस इक्वल टू 10 लिखा है। ठीक है, ये देखें, ये वेरिएबल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ये किसके इक्वल होगा? इसका मतलब ये है कि एन में ये 10 ऐड होगा। एन के अंदर ये प्लस का साइन है ना, तो एन में क्या होगा? 10 ऐड होगा। अब यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ए प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि ए के अंदर 10 ऐड होगा। ठीक है, ए माइनस इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि ए के अंदर 10 माइनस होगा। ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि ए को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए डिवाइड इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि ए को 10 पे डिवाइड करेंगे। और ए रिमाइंडर इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि ए को 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर आएगा। ये इस तरह से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट। क्या करना है? फर्स्ट लाइन पे 10 होना चाहिए, सेकंड पे 20 और थर्ड पे 19। कैसे करना है? यूज इंटीजर कांस्टेंट फॉर 10, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर टू जनरेट 20 और डिक्रीमेंट ऑपरेटर टू जनरेट 19। इंटीजर कांस्टेंट फॉर 10, तो 10 ही हम लोगों ने करना है, तो हम सीन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करेंगे, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, साथ ही उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि हमें 10 ही आउटपुट पे शो करना है। ठीक है, n वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डाटा टाइप के साथ और साथ ही वैल्यू दे दिया 10, इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सी आउट या विदाउट कोटेशन मार्क है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू 10 है वो डिस्प्ले होगी। एंड लाइन हम लोगों ने यूज किया है कि जो सी आउट है वो नेक्स्ट लाइन पे, जो अगला आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पे जाए ते चाहिए। अब हम लोगों ने अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, तो हम लोगों ने n अरिथमेटिक n वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू सम एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब एन की वैल्यू यहाँ पे 10 थी और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हमारे पास आ जाएगा। तो सी आउट एन, अब एन की जो न्यू वैल्यू 20 वो डिस्प्ले होगी, और इसके बाद सी आउट ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि एन की जो वैल्यू न्यू वैल्यू थी वो 20 थी, उसमें से एक काम करेंगे तो 19 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मेन यहाँ पे ये था कि ये वेरिएबल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल का साइन होता है, और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 2। अब एन की जो वैल्यू थी वो 10 थी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, और वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और जब उस n के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएगा तो n की जो 20 वैल्यू थी उसमें से एक कम हो जाएगा और वो 19 आ जाएगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला। यूजर से सेल्सियस में एक टेम्परेचर लेना, उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है इस फार्मूले के थ्रू। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, दो वेरिएबल हैं सेल्सियस और फारन, इस तरह उसको डिक्लेयर किया है फ्लो डाटा टाइप के साथ, क्योंकि वो पॉइंट्स में भी हो सकता है।
टेम्परेचर यूजर से लेना है तो एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस और सी इन कर दिया सेल्सियस। फिर टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज, आगे सेट प्रिसिशन लगाया है, आपकी मर्जी आप लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये 2 लगाया है तो इसको पॉइंट के बाद 1 डिजिट को शो करेगा, ठीक है। और ये फारेनहाइट की वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अब ये देखें, रन करके इसको देखते हैं। टेम्परेचर वाला देखें, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं विद फ्लो डेटा टाइप। टेम्परेचर को यूजर से टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में, तो वो सीन करवाया है। ये फार्मूला है जिससे ये कैलकुलेट होगा, टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज, ये डबल कोटेशन के अंदर है तो इतना डिस्प्ले होगा। अब सेट प्रिसिशन के लिए आयोमैनिक डॉट एच हेडर फाइल यूज की है, 2 लगाया है और ये फारेन जो भी इसका वैल्यू होगी टेम्परेचर की वो आ जाएगी। अब इसको देखें, सपोज मैं 34 एंटर करती हूँ तो ये आ गया इसका टेम्परेचर 93.2, ठीक है। डेसिमल को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अब अगर मैं ये ना लगाऊं तो फिर देखें क्या होगा, ये 34 एंटर कर रही हूँ तो ये आ गया। सेट प्रिसिशन ना भी यूज करें कोई मसला नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि डेसिमल के बाद इतने पॉइंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा देखें, आउटपुट देखें, ये देखिए 10, क्योंकि हम लोगों ने खुद से दिया था इनिशियलाइजेशन के थ्रू, 20 असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ और 19 डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, तो कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। आप लोगों ने फोर्थ थर्ड चैप्टर में ये किया हुआ था, ठीक है क्लास। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।